मुबारक हो बीएमसी, बीएमसी बहुत मुबारक हो, अभिनंदन हो। आपने कोर्ट के आदेश के बाहर जाकर, कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए भी कंगना का ऑफिस तोड़ा। नो नो नो, कंगना कंगना का मैं ना फैन हूं, ना पैरवी कर रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं। बेवकूफी भरा दिमाग में कुछ इमोशन मत लाना, मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। मेरा ये पूछना है कि आप लोग को इतनी फुर्सत मिल जाती है, इतने जल्दी आप पहुंच जाते हो इलीगल किसी का कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए, और वो भी तब जब वो बना दिया गया। तब कहां थे आप? जब बन रहा था तब कहां थे? बनने के 8-9 महीने बाद, 1 साल बाद आपको याद आता कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने इलीगल तरीके से तोड़ने के लिए बोला है। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। बीएमसी वालों, आम जनता के टैक्स से तुम्हारा पगार जाता है और तुम आम टैक्स जनता की जो नाक में दम करते हो। एक गरीब रेडी वाला बेचारा रोड पर अपने बच्चों को पालने के लिए चने मुरमुरी की दुकान लगाता है, उसकी रेड़ियां तोड़ जाते हो तुम लोग। हाँ, एक गरीब आदमी हॉस्पिटल के बाहर नो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाता है, ठीक है, तो उसकी गाड़ी उठा कर ले जाते हो तुम लोग। हाँ, एक झोपड़े में रहने वाला बंदा जिसके घर में ऑलरेडी 6-7 लोग हैं, अगर उसने गलती से अपने ही झोपड़े के ऊपर एक छत बना ली या कुछ कर लिया, तो आप उसको तोड़ने आ जाते हो। तो भाई साहब, जो 90,000 से ऊपर हिंदुस्तान में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, शरद पवार जी ने जो बोला है, उनकी बात तो समझते हो ना? उनकी बात तो समझ में आती है ना आपके? शरद पवार जी क्या बोलते हैं समझ में आता है ना आपके? आप तो खूब समझते हो। तो भाई साहब, वो भी तोड़ो। क्यों क्यों नहीं तोड़ोगे वो? और तोड़ने की बात तो बाद में आती है, बनाने क्यों दिया आपने? इसका मतलब कि बनाने में आपका कोई झोल था, बनाने में कोई झोल था आपका। मेरे बिल्डर ने जब मुझे लीडो टावर सांता क्रूज वेस्ट शाहरुख खान के ऑफिस के पीछे, गौरी डिजाइन के पीछे, जब मुझे फर्स्ट फ्लोर पे पहली बार जब मैं रहने आया, तो मुझे उसने बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर का, आपका गार्डन भी आप ही का है। और जब मुझे देखा देखी सारे बिल्डिंग के लोग रहने आए, तो उनको उस गार्डन से आपत्ति होने लगी। वो कहने लगे नहीं, ये तो सार्वजनिक है। मैंने कहा भाई मेरा है। बिल्डर ने कहा कि यार मैंने तो लिख के नहीं दिया आपको, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है कि वो आप ही का है। 10 साल केस लड़ा मैंने, बीएमसी वालों ने मुझे परेशान कर दिया कि यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 10 साल कोर्ट का केस लड़ा हूं मैं, तब जाके फेवर में मेरे फैसला आया है। या बिल्डिंग वालों ने हार मानी। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी है ऊपर वाला, कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारे इस तरह के कामों की सजा तुम्हें अपने खुद परिवार में और खुद में मिलने लगे, तो याद रखना तुम्हें फिर कोई बचाने भी नहीं आएगा, कोई नहीं बचाने आएगा। बीएमसी मेरी नजर में, इसका फुल फॉर्म मैं पारिवारिक समझता हूं, बी मतलब बहन, एम मतलब मदर, माँ, और सी मतलब चाची है। मैं इतना सम्मान करता हूँ बीएमसी के नाम का, लेकिन आपने गलत फायदा उठाया बीएमसी के नाम का। कंगना रनावत मेरा टारगेट नहीं है, कंगना रनावत के फेवर में भी नहीं हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपके नियत पे शक है। और अब आपने खुद ही मुंह खोल दिया है, अब देखना देश और दुनिया आपसे कैसे जवाब मांगती है। जिनसे पगार लेते हो उनके उनके तो हो जाओ, जो तुम्हें टैक्स भर के तुम्हारा घर चलता है, परिवार चलता है, तुम जीते हो। उफ़।